तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो जो है ट्यूटोरियल वीडियो का सेकंड और आखिरी पार्ट होने वाला है। इसमें जो बियर्ड और हेयर कैसे ड्रॉ करें वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 4B पेंसिल का यूज़ किया है, अभी मैं यहाँ पे बियर्ड नहीं स्किन टेक्सचर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो यहाँ पे मैं वाइट टेक्निक का यूज़ करूँगा, लेयर बाय लेयर शेडिंग करूँगा। तो आप इसे जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका स्किन को कैसे ऑक्ट करे, कैसे लाइटर पार्ट कम जो है वहाँ पे फिनिशिंग टच दे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइटर पार्ट है, जो आइस के नीचे आप देख रहे हो लाइटर पार्ट, उस पर जो है मैंने इरेजर का यूज़ कर करके बार बार वहाँ पे जो है लाइटर पार्ट को और ऑक्ट करा है। और पूरा वाइट नहीं रखा वहाँ पे मैंने, ब्लेंडिंग हल्की फुल्की तो की है, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि पूरा वाइट नहीं रहता कोई भी जो पोर्ट्रेट होता है, वहाँ पे जो शाइनिंग होती है वो पूरा वाइट होता है। और बियर्ड ड्रॉ करते समय मैं बता दूँ कि आप जो है बियर्ड ड्रॉ करते समय आप एक ही बार में डार्क वैल्यू को ऑप्ट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको जो है वह एक एक स्ट्रोक को जो है ध्यान से लगाना पड़ेगा, एक एक स्ट्रोक से आराम आराम से लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बार बार कि डार्क वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। तो इसमें तो अभी इतना ही है हेयर बियर्ड को ड्रॉ करते समय, क्योंकि आप यहाँ पे ग्रेफाइट से ड्रॉ कर रहे हो, चारकोल है नहीं। तो आपको जो है यहाँ पे एक एक स्ट्रोक्स को सही से लगाना है, हमेशा याद रखें, और फिर ब्लेंडिंग कर दे, और फिर जो वाइट पार्ट है वहाँ पे जो आप इरेजर का यूज़ करें। यहाँ पे मैं ईयर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ कि ईयर ड्रॉ कर कैसे करते हैं। तो जैसे आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ ब्लैक है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा शेडिंग है, तो वहाँ पे मैं जो है पहले तो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया ताकि मुझे हेल्प हो जाए। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ब्लैक है, जहाँ जहाँ डार्क शेडिंग है, वहाँ मैंने डार्क शेडिंग करी है। और फिर अंत में ब्लेंड करके मैं वहाँ पे जो इरेजर्स का यूज़ करके वाइट पार्ट को जो है ऑप्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ करके जो शेडिंग कर रहा हूँ हल्की फुल्की, जो भी शेडिंग बच गई है मैं वही शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लाइट शेडिंग है वो मैं कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करने के बाद रेजर का यूज़ करके जो है वाइट पार्ट को ऑप्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक में जो है, आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे जो नेक का जो स्किन है वो वहाँ पे जो उभर के आ रहा है। तो उस पर जो है आप पता चल जाएगा कि जहाँ पे लाइट जहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है तो उस जगह पे तो रेजर का यूज़ किया, जहाँ पे जो स्किन आप देख रहे हो कैसा टेक्स्चर है नेक पे, तो उसके लिए यहाँ पे जो डार्क टोन और लाइट टोन दोनों का जो बैलेंस होना ज़रूरी है। तो वो आपको हमेशा याद रखना है, वो आपके प्रैक्टिस से आएगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब ये जो अब बच गया है हमारा हेयर, तो हेयर के लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप रेफरेंस इमेज में देख सकते हैं कि हेयर जो है वाइट है, मोस्टली जो हेयर में वाइट है। और मेरे पास तो मतलब मैं बताता हूँ कि ये मोनो इरेजर है नहीं, नहीं वाइट जेल पेन है कि मैं इतना वाइट को जो है ऑप्ट करूँगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ कुछ ये वाला। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो है बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक कर दिया इमेज, जैसे रेफरेंस इमेज में, और नहीं भी होता तो बैकग्राउंड ब्लैक करना पड़ता हेयर के लिए। और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट है हेयर पे, वहाँ पे मैं सिर्फ ब्लैक करूँगा। फिर ब्लेंडिंग करने के बाद इरेजर का यूज़ करके जो है वहाँ पे मैं वाइट जो है मार्क कर लूँगा, वहाँ पे जो जो वाइट पार्ट है उसको जो हाईलाइट कर दूँगा इरेजर का यूज़ करके। तो यही टेक्निक मैंने अभी यहाँ पे हेयर पे यूज़ करा है। देख सकते हैं कि मैंने जो ब्लैक चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड नॉर्मल चारकोल पेंसिल का यूज़ किया मैंने, तो मैं उनकी मदद से जहाँ पे पहले तो मैंने ब्लैक स्पॉट को देखे, इस तरह से मैंने पहले ढूंढा कहाँ कहाँ ज़्यादा ब्लैक है, वहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करके फिर मैंने इरेजर का यूज़ करके जो है वहाँ पे जो हाईलाइट कर लिया पार्ट को। तो यही बस आपको हमेशा लेयर बाय लेयर करते रहना, याद रखें हमेशा आपको लेयर बाय लेयर करते रहना है। और फिर अंत में जो जो वाइट वाइट एरियाज है वहाँ पे जो मैंने ऑप्ट कर लिया है। तो यही प्रोसेस होता है पूरा। मैंने आपने एक बात नोटिस किया होगा कि मैंने जब भी आप ये वाले ट्यूटोरियल में बताया कुछ भी, तो उसके अंदर जो है एक ही प्रोसेस ज़्यादा रिपीट हो रहा है कि आपको लेयर बाय लेयर एडिंग करनी है, और जो भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हो उस पर जो आपको ध्यान दे के बनाना है कि कैसा पोर्ट्रेट है। और आपकी जो स्किल है वो भी डिपेंड करती है कि आप कैसा बनाते हो, वो प्रैक्टिस से आता है। तो आप प्रैक्टिस में फिर कह रहा हूँ करते रहिए। और ये जो रेफरेंस इमेज है इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जो है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद इसे बना के मेरे इंस्टाग्राम पे टैग करना मुझे, मैं देखूँगा आपका फ़ोटो और बताऊँगा भी कि कैसा है कैसा नहीं है। तो आप उसे टैग कर सकते हो मुझे, और जो मेरा इंस्टा जो यूज़र आई डी नेम है वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्केचिंग।